नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन कैसे बनाएं, कैसे उन्हें ऐसा बनाएं कि वो जिंदगी भर ना टूटे। बेहतरीन रिश्ते बनाना एक कला है, मगर उनको निभाना एक साधना है। साधना पड़ता है रिश्तों को, झुकना सीखना पड़ता है, उनमें समझौते करने पड़ते हैं, उसमें हारना पड़ता है प्रेम की वजह से उन्हें जिनसे हम रिश्ता बरकरार और कायम रखते हैं। रिश्ते वो कायम रहते हैं जिनमें ना हक हो ना शक हो, न दूर हो ना पास हो, न जात हो न जज्बात हो, सिर्फ अपनेपन का एहसास हो। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमें अपनेपन का एहसास हो कि ये शख्स अपना है, ये शख्स अपना है, ये एहसास हमें होना चाहिए। जब तक हमें अपनेपन का एहसास नहीं होगा, हम किसी रिश्ते को कायम ही नहीं रख सकते। जब हम किसी पर हक जताएंगे, तब हम उसे गुलाम बना लेंगे अपना, हम उसे आजाद नहीं छोड़ सकते। ये हमारा हक है, ही और शी इज अवर राइट। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे वैसा नहीं करना चाहिए। हक नहीं होता रिश्ता, आजादी होता है रिश्ता। शक नहीं होता है रिश्ता, विश्वास होता है रिश्ता। शक की वजह से इस दुनिया में बड़े कीमती रिश्ते टूट गए, जिनके साथ हमारे बहुत सारे जज्बात जुड़े हुए थे। जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें हमने सिर्फ शक की वजह से खो दिया, और उन्होंने भी हमें शक की वजह से खो दिया। तो जब भी रिश्ते बनाए, तो न हक जताएं न शक करें। दूरियां और नजदीकियां रिश्तों में कोई मायने नहीं रखती। उन लोगों से भी हम बहुत दूर रहते हैं जिनके साथ हम एक ही छत पर, एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिनके साथ हम हमबिस्तर होते हैं, उनसे भी बड़ी दूरी का एहसास होता है। फिजिकल रिलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो शरीरों का मिल जाने का मतलब ये नहीं कि आपका उससे रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। मैं जिस रिश्ते की बात कर रहा हूं, वो दो दिलों का मिलन है। एक ही घर में रहकर दो दिल मिल नहीं सकते, और हजारों लाखों मील रहकर भी दो दिल इतने करीब रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो साथ साथ धड़कते, साथ साथ सांस लेते हैं। ऐसे न जाने कितने रिलेशंस मैंने देखे कि वो शख्स इतनी दूर रहता है, सर हम उसे इतना प्यार करते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज रोज मेरे सामने आती रहती हैं, फोन पर लोग मुझसे चर्चा करते हैं। तो रिश्तों में दूरियां और नजदीकियां मायने नहीं रखती, जात और जज्बात भी मायने नहीं रखते। उसकी कास्ट कौन सी है, उसका मजहब कौन सा है, उसका रंग कैसा है, वो किस कंट्री को बिलोंग करता है, उसके पास पैसा कितना है, और न ही जज्बात। जज्बात यानी कि फीलिंग्स। अक्सर फीलिंग्स में हम धोखा खा जाते हैं। ये जो हमारी फीलिंग्स रहती है ना, ये क्या करती हैं, सामने वाले आदमी का गला दबाने लगती है। हम इसे बहुत प्यार करते हैं, ये हमें बार बार फोन क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं आते उसके मैसेज, शायद किसी और से बात कर रहा होगा। ये फीलिंग्स इसलिए आती है, फीलिंग्स का मतलब जरा समझो आप, फीलिंग्स का मतलब भावनाएं। भावनाएं यानी कि मन का ही सूक्ष्म रूप। मन सिर्फ एक ही काम करता है कि मन हर चीज को बांध देना चाहता है, हर चीज को पकड़ लेना चाहता है, हर चीज को जकड़ लेना चाहता है, हर चीज को रोक कर रखना चाहता है। जिंदगी बहने का नाम है, जो आज हमारा था हो सकता है कल हमारा ना हो, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी फ्रीडम है। लेकिन अगर हम सचमुच उसे प्यार करते हैं, तो गैर होकर भी वो हमें गैर नहीं लगता। और कुछ लोग अपने होकर भी हमें अपने नहीं लगते। अगर मोहब्बत हो तो ये अपनापन कायम रहता है, भले वो हमें छोड़कर चला जाए, लेकिन हम उसे बेशुमार प्यार करते हैं। हम उससे अपनी तरफ से कभी रिश्ता नहीं तोड़ते। वो जब भी हमें आवाज देता है ना, हम अपना दिल खोलकर उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। रिश्ते न बना इस दुनिया की सबसे महान साधना है। जो प्रेम को ही अपनी जिंदगी में जगह न दे सका, वो क्या करेगा। रिश्ते जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं।
तोड़ना तो बहुत आसान है, बिखेरना तो बहुत आसान है, समेटने में वक्त लगता है। मुझे लगता है मेरी बातें आपको गाइड करती होंगी कैसे एक बेहतरीन जिंदगी जिए। मेरी वीडियोस को देखें, समझें कि क्या कहना मैं चाहता हूँ, और इन्हें अपने जीवन में उतारें। अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने बेहतरीन कमेंट देना ना भूलें, और जितने प्यार से आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसी तरह से करते रहें। दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचानों वालों को ये वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देते हैं।